मोदी, नरेंद्र मोदी, दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार। दिल्ली में भीषण पानी संकट के बीच कांग्रेस पूरी दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं तिलक नगर विधानसभा के चौखंडी इलाके में। यहां भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ नेता हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। जी, मेरा नाम अमनदीप सिंह है और ये रजौरीगढ़ विधानसभा है और यहाँ से मैं पूर्व प्रत्याशी विधायक करा। ये प्रदर्शन किसके खिलाफ? देखिए, ये प्रदर्शन है दिल्ली की जनता जो त्रस्त हो रही है पानी गंदा आने की वजह से, पानी ना आने की वजह से, उसके खिलाफ। अब इसके अंदर दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, ये दोनों ही विफल हो चुकी हैं। एक तरफ जहां केंद्र सरकार कोई भी ऐसी नीति नहीं बना पाई जिसके अंदर कि दूसरी स्टेट्स के साथ एक ऐसा समन्वय बैठ सके जिसके अंदर आपस में मिलकर कोई काम ऐसा करें, कोई ऐसा नतीजे पे पहुँचें कि अगर दिल्ली के अंदर पानी कहीं से कम होता है तो हरियाणा से, जहाँ की दिल्ली स्टेट की गवर्नमेंट अलग है, वहाँ की अलग है। तो दोनों पार्टियों की सरकारें, ये केंद्र सरकार का काम था कि मिलकर कुछ ऐसा समन्वय बनाते जिसमें ये लोग दिल्ली की जनता त्रस्त ना होती, पानी पहुँचाते। ये हर बार जब पानी की थोड़ी सी परेशानी आती है ये एक दूसरे की टांग खींचने का काम करते हैं। कभी बोलते हैं भाजपा वाले ऐसा बोल रहे हैं, कभी बोलते हैं झाड़ू वाले ऐसा बोल रहे हैं। अल्टीमेटली परेशानी जो हो रही है वो दिल्ली की जनता को हो रही है। तो ये दोनों सरकार, लोग दिल्ली के लोग कन्फ्यूज हैं कि 4 तारीख तक तो साथ थे, अब जो है सो सड़कों पर उतर कर विरोध कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली के लोग कन्फ्यूज नहीं है, दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। दिल्ली के लोगों को ये बात पता है कि जब 4 तारीख तक साथ थे वो भी जनहित में थे, कांग्रेस ने अपनी तरफ से हाथ बढ़ाकर समर्थन दिया था इस बात पर कि देश के अंदर लोकतंत्र जो है वो खतरे में है, उसको बचाने की जहां बात थी तो कांग्रेस साथ आई और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी कि लोकतंत्र, कोई भी ऐसा गरीब पिछड़े वर्ग जो है वो दबे ना रह जाए, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए एक साथ आए थे। आज जब वही कांग्रेस पार्टी हम जब देख रहे हैं कि ये अपनी नीतियों की वजह से दिल्ली फिर वही जनता जिस जनता के लिए गठबंधन किया था, आज उसी जनता के लिए ही गठबंधन तोड़ा भी गया है, कि अगर ये लोग विफल हैं स्टेट लेवल पर उसको अपनी बातें कही हुई जो है उनको पूर्ण करने के लिए, तो हम ये गठबंधन किस बात का रखेंगे। बिल्कुल तोड़ा है और हम खुश हैं, हमारे नेताओं ने ये बात की है, हम इसी के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बात आगे बढ़ाई कि ऐसा गठबंधन किसी काम का नहीं है, अगर जनता परेशान हो रही है तो किस बात का गठबंधन। हमारे साथ जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी हाँ, कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रदीप लोहिया है। लोगों को कैसे समझाएंगे कि लोगों में एक संशय है कि 4 तारीख तक परिणाम आने तक तो ये साथ थे, अब जो है सो उसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ये भी आपको सुदन जी ने बता दिया, हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने आपको सब बता ही दिया कि हम 4 तारीख से पहले इनके साथ, इसलिए कि हमारा लोकतंत्र खतरे में था इसीलिए हम सब साथ में थे कि हमें इनके साथ देना, लोकतंत्र को बचाने के लिए साथ दिया। लोकसभा चुनाव में हार के बाद आपको लगता नहीं कि महज 6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है, तो उसमें जो है सो इस तरह की चीज़ें कि गठबंधन हुआ, गठबंधन टूट गया, दिल्ली के लोग आपके खिलाफ होंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम हारे नहीं है, हमारी वोट परसेंटेज बढ़ी हैं, हमारा गठबंधन फेल नहीं हुआ है। हम लोगों ने जो मेहनत करी है, तो जो जितनी भी सीटें बीजेपी जीता है तो उनका मार्जिन बहुत कम रहा है, तो लोगों को अभी आप पता चला ही है, जैसे आपको पता ही है कि अयोध्या की सीट हारे हैं लोग, तो इनकी बहुत बड़ी सीट थी जहाँ पे राम मंदिर के नाम से वोट मांग रहे थे, वही सीट हार गए जो कि बीजेपी की सबसे बड़ी सीट थी। अपना नाम बता दीजिए। विजय कुमार झा। विजय जी, क्या लगता है लोगों को कैसे समझाएंगे कि अभी तक तो साथ थे अब उन्हीं के खिलाफ सड़कों पर उतर आए? थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन हम देश हित में लगे थे उनके, अब उनके साथ विरोध करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि देखो जो पानी की समस्या है एक जेन्युइन समस्या है, ठीक है। गंदा पानी पीना, भाई साहब आप जाके देखो नाली का पानी आ रहा है, आपने देखा भी होगा, पानी वाले टैंकर माफिया इस समय छाया हुआ है दिल्ली के अंदर। यही शिला की सरकार थी ना, तब हम प्रॉफिट में चल रहे थे, आज हम 75,000 करोड़ नुकसान में चल रहे हैं सर, ठीक है ना। जनता को ये सब समझाना है, हमने हम कोशिश कर रहे हैं, हम सड़कों पे उतरेंगे और ढंग से उतरेंगे इस बार। प्रदीप भाई ने बताया, बड़े भाई हैं हमारे, पूर्ण निगम पार्षद चुनाव लड़े हुए हैं, हम उतरे हैं, अब जनता की समस्याओं को हम जोर से उठाएंगे और हम इस चीज़ को बड़ा तरीके से उठाएंगे, अनवर भाई हैं हमारे साथ, ठीक है ना, क्योंकि पानी की समस्या जो है जनता की समस्या है, ठीक है ना। जनता को कैसे समझाएंगे कि अभी तो साथ लड़ रहे थे अब सड़कों पे उतर आए? सर, मैं इसी का जवाब सारी मीडिया को दे रहा हूँ, हम साथ लड़ रहे थे, साथ थे, साथ नहीं थे ये तो पार्टी का फैसला था, लेकिन आप ध्यान रखें कि शीला दीक्षित जी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी उसी टाइम में दिल्ली के अंदर सीलिंग हो रही थी, उन्हीं के खिलाफ दिल्ली के सांसद अजय माकन
और भी नेता जो थे वो उनके खिलाफ रोडों पर सड़कों पर आ गए थे कि सीलिंग दिल्ली के अंदर क्यों हो रही है। तो जब तानाशाही सरकार कोई सी भी सरकार हो अगर वो तानाशाही दिखाएगी और दिल्ली की जनता के साथ दूसरा रूप अख्तियार करेगी तो हम उसके खिलाफ आएंगे। हम पानी की समस्या को लेकर आए जिसके अंदर 10 साल से कहते थे हम दिल्ली को पानी दे रहे। शीला जी के टाइम पे भी दिल्ली के अंदर शीला जी की सरकार थी और वाजपेयी साहब ऊपर थे, लेकिन कभी पंजाब से पानी नहीं रुका, कभी हरियाणा से पानी नहीं रुका, कभी हिमाचल से पानी नहीं रुका। तो पानी क्यों रुक रहा है? ये क्यों हर बारी का ड्रामा बन चुका है? दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा, इतने परेशान है। एक बारी खाना ना मिले लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन पानी ना मिले तो बहुत दुखी की बात होती है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अंदर चले गए, वो कहते थे अंदर से बैठ के मुख्यमंत्री, तो बाहर पानी की सुविधा तो वही देखेंगे। 7 MP इलेक्शन लड़ लिए, 4 तारीख के बाद वो दिखे नहीं है। आज 11 दिन हो गए, 11 दिन से क्या उनका हक नहीं बनता कि जाके रोडों पर बैठे, हरियाणा के ऊपर दबाव बनाए, लेकिन सिर्फ राजनीति करेंगे। दिल्ली के लोग परेशान है पानी की तरफ से, इतना त्रस्त हो चुके हैं कि पानी लोगों को मिल नहीं रहा, लेकिन बीजेपी के सांसद बिल्कुल गायब है, नहीं मिल रहे। दिल्ली सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही। कांग्रेस का जो हमारे अध्यक्ष थे श्री देवेंद्र यादव जी ने, जो हमारे अध्यक्ष थे, उन्होंने हमारे को आदेश दिया था। अभी तो ये छोटा सा टेलर है, हम आपको बता देना चाहते हैं अगर 2-3 दिन के अंदर पानी की सुविधा नहीं हुई तो हम सड़कों पर रोड पर जाकर बैठेंगे, इसी करारी धूप के अंदर बैठेंगे। ये देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि जो गठबंधन था वो पार्टी का फैसला था और तब इन्होंने साथ भी दिया, लेकिन अब लोगों के मुद्दे को लेकर, जो लोगों की समस्याएं हैं उसको लेकर, जो दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर अब गठबंधन भी नहीं है, इसलिए सड़कों पर उतरे। और इनका ये भी मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका कोई असर नहीं होने वाला है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।